सर, घोसी उपचुनाव की काउंटिंग चल रही है और सपा भारी वोटों से आगे है, सर क्या कुछ कहेंगे? सर पहले से समाजवादी पार्टी कह रही थी कि केंद्र और प्रदेश में भारी सरकार चला, इसको काउंटिंग चल रही है और सपा भारी वोटों से आगे चल रही है, सर क्या कुछ कहेंगे? सर समाजवादी पार्टी पहले से ही कह रही थी कि केंद्र और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की अत्याचारी सरकार, जन विरोधी सरकार और दल बदलू और मौका परस्त लोगों के खिलाफ जबरदस्त माहौल है, उसी के हिसाब से परिणाम आते हमको दिखाई दे रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जा रही है, हमारी विरासत पर विरासत का अपमान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो भूल रहे हैं रावण का अहंकार भी सनातन धर्म को नहीं मिटा पाया, तो ऐसे सत्ताधारी क्या मिटा पाएंगे? रावण भी सनातन धर्म का बहुत जानकार था, बहुत ज्ञानी था, रावण ने भी बहुत पूजा पाठ की थी, और रावण जैसा अहंकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है, देश के प्रधानमंत्री को है, देश के गृहमंत्री को है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को है। तो रावण जैसा जो हाल होना है वो रावण जैसा अहंकार रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही होना है। सर, इन्हें कि श्री कृष्ण समाधान निकालेंगे, सर्वशक्तिमान से बड़ा कोई नहीं है, बीजेपी घबराई हुई है, डरी हुई है, इसलिए कुछ भी बोले जा रही है। लालू जी की बात से मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा काम पिछले 9 साल 10 साल में नहीं किया जिसे जनता के बीच में ले जा सके, न कोई सकारात्मक भाव से प्रदेश का देश का विकास किया है, केवल बांटना काटना लड़ाना और सत्ता के अहंकार में सत्ता के दुरुपयोग से राज चलाना चाहते हैं, उसे प्रदेश की देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सर, महाराष्ट्र के आने के बाद कांग्रेस मराठा समुदाय को आरक्षण देगी, ये कांग्रेस का मामला है, महाराष्ट्र का नीतिगत मामला है, महाराष्ट्र के नेता और कांग्रेस के लोग बेहतर बता सकते हैं। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि चाहे जितने भी लोग एक व्यक्ति के नरेंद्र मोदी को हराना असंभव है। एकनाथ शिंदे की सरकार केवल नरेंद्र मोदी जी की कृपा पर टिकी है, इसलिए इससे ज्यादा उनकी बोलने की हैसियत भी नहीं है, उनके कोई आकलन करके बयान देने की उनकी हैसियत नहीं है। कुल मिला के उन्हें भारतीय जनता पार्टी की चमचागिरी चापलूसी करनी है, वरना एक रात में जैसे रातों रात मुख्यमंत्री बने हैं वैसे ही सड़क पे आ जाएंगे। सर, G20 में शुरू हो गया है G20 शिखर सम्मेलन, देश दुनिया भर के लोग वहां पहुंच रहे हैं। भारतीय सरकार को ये आयोजन करना था, G20 के जो नियम है उनके हिसाब से हमें आयोजन मिला है, इसको भव्य तरीके से किया जाना चाहिए और बेहतर होता अगर G20 करने में विपक्षी दल पार्लियामेंट में विपक्षी के बड़े बड़े नेताओं सबको विश्वास में लेके अगर लेते तो देश की और अच्छी छवि जाती और अच्छा संदेश जाता।